गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल। सर्दियां वापसी आ गई दिल्ली में ना, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत तेज बारिश थी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था। उस दिन के बाद ना जज्बात बदले, माहौल बदला, सब बदला, हमारे जज्बात भी बदले, बट मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल गया। तो मीठी मीठी ठंड शुरू हो गई है, नवंबर भी आने वाला है, 5-6 दिन रह गए, तो गरम गरम टोपियां बाहर आ गई हैं कि भाई ठंड ना लग जाए ना। मेरे को थोड़ी बहुत लग भी गई थी क्योंकि गोवा एकदम गर्मी होती है, फिर दिल्ली आके थोड़ी सी सर्दी सी हो गई थी, तो सर्द गर्म हो गया था, तो जुकाम से घूम लग गया था, तो उसको प्रिवेंट करना है। और बाकी आज से अपनी जो डाइट डूइट है वो पूरी शुरू हो चुकी है भाई। सुबह का अभी तक सिर्फ अंडे खाए हैं, दही, मेरे को दही चीनी से बड़ा प्यार है, पर अब से हमने चीनी कट आउट कर दिया भाई। कोशिश ये रहेगी जितनी चीनी कट आउट कर सके कर देंगे, कार्ब्स भी कम कर देंगे, क्योंकि अब है गोल भाई पतले होना है। देखो मैं मोटा तो नहीं हुआ जैसे मैं पहले मोटा था, बहुत ज़्यादा 102 किलो का, वैसा तो नहीं हुआ, वेट अपना उतना ही है, मेरे ख्याल कम ही हुआ होगा वेट, बट जो फैट है ना वो थोड़ा सा आ गया, फैट हटाना है। यहाँ पे हमारी ग्रीन टी बन रही है क्योंकि ना अब हमने बिल्कुल, मैं कहता हूँ फटाफट वेट लूज़ करना है और अच्छा वेट लूज़ करना है। बाकी मम्मी और गगन अभी गए थे शॉपिंग करने, मेरे को लेके नहीं गए, क्यों मेरे को क्यों नहीं लेके गए यार? तो सोया हुआ था, तो भाई सोया हुआ था। भाई एक चीज बताओ, जब बच्चा सोया होता ना, मम्मी 100 बार उठा के बोली थी करण रोटी खा ले, रोटी खा ले, शॉपिंग जा रहे थे, पूछ रहे थे करण शॉपिंग चलना नहीं चलना, अब कहाँ गई आपकी माँ की ममता, अब गायब हो गई थी। अब पैसे ज्यादा लग जाते ना दोनों को ले जाते तो आप पूछ लेते। तो उस मम्मी ने कहा कोई नहीं, तूने जाना है शॉपिंग पे, चला जा, कोई चक्कर नहीं, मैं दोबारा चलूंगी, बट एक बार हम गगन के कपड़े देख लें कि वो कपड़े कैसे लेकर आएंगे, जे पसंद आएंगे तो ठीक है। ये भाई गगन ज़ारा के लेकर आए और एचएनएम के लेकर आए, वो देख लेते हैं। पर एक बात है, अच्छे तो आप कह रहे हो, गगन और मेरी चॉइस बड़ी डिफरेंट है, है ना, जो उसको अच्छे लगते हैं मेरे को अच्छे लगते हैं। ये तो नॉर्मल प्लेन लेकर आया हुआ है भाई, ये बिल्कुल प्लेन हरी, सिंपल सोबर पसंद है, देखो कुड़ियों वाले कपड़े पसंद है। हाँ ये बात है, मेरे को भाई डिजाइनर की कुछ बना हो चीज़ है उस पर, कुकड़ी कैमरा। मैं जाके लेके आता हूँ नॉर्मल टी शर्ट लेके आता हूँ, शर्ट लेके आता हूँ, करण जाता सूट लेके आता अपने लिए लेडीज वाला। भाई बस देख ले, कलर बहुत प्यारा है, देखो एक भी नहीं आएगी। तो मेरे को, मैं इसके कपड़े डालने के लिए पता है क्या करूँगा, मैं शॉपिंग करने नहीं जा रहा अभी, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं पतले होऊंगा फिर आ जाएंगे इसके कपड़े। भाई एक ये हरी वाली लेकर आए, कितने की है ये? 800 रुपये की, 800 रुपये की, 1500 बाकी आएंगे ना, 2-3 हज़ार की बाकी है। एक ही लेकर आया चलम से? हाँ ज्यादा से लेकर आया बाकी। कलर तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारे कलर ने, डिफरेंट कलर से, चल सारे प्लेन और सारे एक जैसे ही लेकर आए तो। हाँ तो फिर क्या है, कुछ डिफरेंट लाना चाहिए था। Things got kind of awkward. भाई मम्मी भी हट नहीं रही, अब मैंने ना आज से डाइटिंग शुरू करी है। अब मम्मी को ना अलग सिस्टम होता है, आज ते तेरे मतलब दी रोटी बनाई सी, पड़ी होगी ना, आज ते तेरे मतलब दी रोटी बनाई सी, गोभी आलू दे पराठे, गोभी, मतलब मैं पतला ना हूँ, आप चाहते नहीं पतला हूँ, वैसे कहते रहते कि मोटा हो गया मोटा हो गया। जो पंजाबियों का एक टाइम होता है ना, वो 4 टाइम के बराबर होता है, जितना घी और जितना ये पराठे परूठे बनाते हैं, एक बार जब पराठे खाना बंद शुरू कर दे फिर रुकता है, तो पूरे दिन वही भाई पराठे आलू गोभी के पराठे, वो हम बड़ी मुश्किल से, तो आज मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, दही के साथ चीनी भी नहीं खाई मैंने। हाँ नहीं तो भाई मैं बचपन से दही के साथ चीनी। साहिब नूर पाजी भाई बड़े फिट हो गए हैं ना, कोई नहीं, साहिब नूर पाजी को भी टक्कर देनी है हमने। साहिब नूर पाजी जे तुसी ये व्लॉग देख रहे हो ना, वी आर वेटिंग फॉर यू, हमने आपने हमसे लद्दाख से प्रॉमिस किया हुआ कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा चिकन खाऊंगा, अभी तक वो घर नहीं आए आप, हमारे चिकन ऐसे सूख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले मैं ना जिम जा रहा हूँ क्योंकि भाई आज से ना बैक टू रूटीन आ गया, 7 बजे मेरी भंगड़ा क्लास है, तो अगर 7 से 8, 8:30 तक भी खिंच जाती है उसके बाद जिम जाऊँगा ना, सर्दियों का टाइम आ गया फिर बहुत लेट हो जाऊँगा भाई, 11-11 बज जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी फटाफट जिम होते हैं, अभी 5:30 बजे 1-1.5 घंटा जिम करेंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट भंगड़ा क्लास में चले जाएंगे, तो लेट नहीं होंगे भाई। आज ना बॉडी की लगने वाली है क्योंकि इतने टाइम के बाद जिम, फिर उधर भंगड़ा करने जा रहा है ना, शुरू कर दिया। अब यहाँ से सीधा भंगड़ा क्लास जाना भाई, फिर तो वहाँ पहुंचते गालियाँ पड़ेगी कि कहाँ थे आप 1 महीने।
कहाँ थे, कहीं नहीं थे, घूम रहे थे। भाई हम नूर के घर पहुँच के पाँच मिनट आते ही वाले होंगे, दस दस मिनट में आ जाएंगे। देखो नूर ने तो बहुत कुछ सीख लिया, मैंने सिर्फ दो क्लासेस अटेंड कर दी और मैंने जो कहा वो भी भूल चुका, और जो मेरी बॉडी खुली थी अब वो फिर टाइट हो चुके, फिर स्टिफ हो चुके। बट कोई नहीं, अब हमने रेगुलर हो जाना है, रेगुलर करेंगे फिर। भाई डन विद क्लास, मुक गई साड़ी, असी भी मुक गए, खत्म। एंड चाल चलन ठीक है आज हमें, और सानू चाल सिखाई। भाई इसने तो बहुत कुछ सीख लिया, कोई नहीं मेरे को भी सिखा दियो यार। सिखाऊंगी आपको, फिर रेगुलर होना पड़ेगा, कल आ जाओ कल कर लेंगे। इतना भी नहीं लेनी मैं, यही तो बदतमीजी है ना तेरी, यही तो तू मारता। नहीं नहीं थर्सडे डन, थर्सडे हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि पाजी हम थर्सडे प्रैक्टिस करते, पाजी की किसी की शादी है, पाजी बहन की शादी है ना, बाकी थक बड़े गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, क्योंकि मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, बहुत ही फंसे हुए हो, काम में भी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डन विद क्लास, वो कहते हैं ना मौत को छू के टक से वापसी, आधे मास हुआ है, पहले जिम फिर भंगड़ा एंड फिर मजा आ गया भाई मजा। अब इसने मेरे को प्रॉमिस किया जो जो मेरा रह गया ना वो मेरे को सिखा देगी, मैं कोई स्कूटी वो खड़ी हमारी, अभी मेरे को सब दिख रहा है, मेरी छह आंखें हैं, आई कैन सी देयर टू, आई कैन सी देयर टू, ऐसे देखो यही होता है जो आपको वो लगाते हैं नजरे। भाई सो फाइनली नहा धो के तैयार तो नहीं, अब रात के लिए तैयार हो गए, रात को सोने के लिए भी बस डिनर आ रहा है हमारा, बाकी आपके लिए ना कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं अपकमिंग व्लॉग्स में, है ना। अब कल फिर डन है ना, फिर है पक्का पलवल तो नहीं जाना आपने? हाँ तो पापा ने कल पलवल नहीं जाना, क्योंकि पापा ने रोज़ पलवल जाना था ना, तो हमारी जो चीज़ है मेन चीज़ है जिसके लिए हम थोड़े दिनों से बात कर रहे थे, एक महीने से बात कर रहे थे, तो वो चीज़ आने वाली है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम कल गाड़ी देखने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी देखेंगे, तीन चार गाड़ियाँ देखनी है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी देखनी है, मैं कहता हूँ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं वो गाड़ियाँ, वो देखने जानी है, प्राइस पूछना है कि क्या क्या हिसाब किताब बैठता है, सारी चीज़ें देखेंगे। दो गाड़ियाँ लेनी है शायद हमने, अभी देखो कि एक लेते हैं या दो लेते हैं, बाकी ये कमेंट्स में बताओ इलेक्ट्रॉनिक कैसी है, है ना। क्योंकि भाई हमने दो गाड़ियाँ लेनी है, एक इलेक्ट्रॉनिक लेनी है और एक हमने लेनी है पूरी फैमिली कार, क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो मैं आपको अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम बैठ रहा है और क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक पे सारे शिफ्ट कर दो, जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक पे ही आ जाओ, है ना। बाकी पता तो होना, वो तो कल टेस्ट ड्राइव लेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी दो तीन गाड़ियाँ हमने देखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तो है ही, और उसके अलावा एक और बढ़िया सेक्सी गाड़ी आई है मार्केट में, वो आप कमेंटों में बताओ कि कौन सी गाड़ी की बात करो, मैं वो भी देखनी है। बाकी इतने नाल ही आप करते इस व्लॉग में एंड, में उम्मीद करता तो उन्हें पसंद आएगा, जो पसंद आएगा तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कितना लगे, तो जिन्हें जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते नेक्स्ट वॉचर लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।